चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो नंबर से रिलेटेड है, इसको अपन नंबर्स में भी चेक आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बात करने वाले बेटे डिजिट्स की। तो डिजिट्स क्या होता है उसको समझने से पहले आपसे मुझे जवाब देंगे, आपको दिख रहा है ये क्या है? वी। ये क्या है? गा। ये क्या है बेटे? माउस। ये सभी हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में तो वी नहीं है, तो फिर क्या है? ये एक सिंबल है। सिंबल मतलब हम उसको इस चीज से डिनोट कर सकते हैं। थोड़ी देर रुको, क्लियर आ जाएगा, वीडियो क्लियर आ जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं। सभी ध्यान से देखिए, हमारे पास ये जो है एक व्हील है, क्लियर है? एक व्हील है, आप देख पा रहे हैं व्हील है। इसको हम एक्चुअल में तो देख रहे हैं, हमारे सामने व्हील थोड़ी नहीं, उसका डायग्राम है, उसका एक सिंबल है जिससे हम ये गैस कर पा रहे हैं क्या हो सकता है। मींस हम जो समझाना चाह रहे हैं वो बात है सिंबल की। सिंबल क्या होता है? कोई भी थिंग या ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं या फिर एक शेप के थ्रू समझते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे जो शेप बनी है इससे हमें पता चल रहा है व्हील है। ऐसे ही आगे हमारे पास एक डायग्राम बन रहा है, जिसमें हमारे पास एक क्या है, एक छोटी बच्ची है। तो हम इसके शेप से गैस कर पा रहे हैं कि ये लड़की है, ये गर्ल है। ऐसे हमारे पास एक माउस है, तो ये रेड मार्कर हम यूज नहीं करेंगे, इस तरह सही से नहीं आ रहा है। तो इन सभी डायग्राम से हम समझ पा रहे हैं कि क्या चीज है, इनको हम बोलते हैं सिंबल। ऐसे ही हमारी जो मैथ्स होती है उसमें भी नंबर्स को समझने के लिए सिंबल्स की जरूरत होती है। अगर हम सिंबल के बारे में जानते हैं तो फिर हम नंबर्स के बारे में बता सकते हैं कौन सी नंबर है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिजिट से। तो डिजिट क्या होता है बेटे? द मैथमेटिकल सिंबल जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन आर कोड डिजिट्स। ये जो हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये सभी सिंबल हमारे डिजिट्स होती हैं। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक सिंबल है, जीरो एक सिंबल है, वन टू थ्री ऐसे सभी जो डिजिट्स हम लिख रहे हैं वो सिंबल है। इनको मैथ में यूज कर रहे हैं, इनका नेम हम लिख देते हैं मैथमेटिकल सिंबल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मैंने एक ग्राउंडेड शेप बनाई, अभी तक आप पता नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर एरो बनाए, कार्डिया बनाई इसकी,
आपने पता कर लिया एक वीक है, ओके एक्चुअल में तो वीक नहीं है लेकिन उसका एक डायग्राम है तो हम गैस कर पा रहे हैं वीक है। ऐसे ही नंबर्स के भी सिंबल होते हैं जिनसे हम गैस कर पाते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 0 है, ये 5 है, ये 6 है। सभी जो सिंबल्स हैं मैथमेटिकल सिंबल उसके अंदर जो सेफ है वो अलग अलग है। आप देख लीजिए 1, 2, 3 को, ये सभी डिजिट्स हमारे। अब इनकी जो काउंटिंग है, इनकी जो नंबर है वो 10 है हमारे पास, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 डिजिट्स हो गए और 0 के साथ में ये टोटल 10 डिजिट्स हमारे पास। वॉइस क्लियर आ रहा है? अभी वॉइस क्लियर आ रही है तो कमेंट करो यस, अगर हाँ तो यस। ठीक है बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर्स क्या होते बेटे? फॉर एग्जाम्पल 12, 13, 16, 99, 107 एटसेट्रा। इन सभी में कुछ स्पेशल बात ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे मोर देन वन डिजिट्स हैं। 1 एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नंबर बनती है। ऐसे 1 और 3 दोनों डिजिट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से एक नई नंबर बनती है। इस टाइप से एवरी टाइम जब भी हम डिजिट्स को कॉम्बाइन करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बनने वाली है वो हमारी नंबर्स। तो स्टार्ट करेंगे, डिजिट्स क्या थे? मैथमेटिकल सिंबल थे और नंबर्स आ रही है वो क्या है बेटे? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी नंबर है। क्लियर? इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स जिसमें स्टार्टिंग में हमारे पास आने वाली है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते बेटे? देखिए एक बार, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। दूसरी तरह से कहें तो the numbers which start from 1 are called natural numbers। काउंटिंग नंबर क्यों बोले हैं वो? बिकॉज हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह को डिफाइन करने के लिए हमने यूज किया है काउंटिंग नंबर्स को। तो द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, या फिर दूसरी तरह से डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं The numbers which start from 1 are called natural numbers। Clear बेटा? मैं इसको read कर देता हूं। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए बेटा, बहुत कम कंडीशन होती है आपको इन नंबर्स को आपस में रिलेट करके समझना होता है। आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर्स के टाइप। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, वीडियो साफ नहीं आ रहा है, आवाज सही नहीं आ रहा है,
या फिर कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तुरंत कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो सभी अपने अपने प्रोग्राम कमेंट कीजिए एक बार। मैं देख पा रहा हूं आप सभी कमेंट कीजिए अपना। इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन एटसेट्रा। ये सभी नंबर है, इनको डिफाइन कैसे करेंगे देखिए एक बार। ओके ओके ओके, वीडियो सही नहीं आ रहा है। अभी चेक आउट करते हैं। बच्चों वही सारा है, सुन पा रहे हैं? टाइप करो यस, अगर हाँ तो यस टाइप करो जल्दी। देखिए आगे the number which are not divisible by 2, the numbers which are not divisible by 2 are called net odd numbers। पिंटू सर पिंटू सर सुन पा रहे हैं क्या? बेटा तब तक नोट करो, तब तक हम सही करवा रहे हैं, आवाज आएगी आपके पास सही। नोट करो सर।
आवाज नहीं आ रही उसके पास, वीडियो भी सही नहीं दिख रहा बता रहा है, वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, सही नहीं दिख रहा है। हेलो बच्चों, अभी आवाज आया आपके पास? जल्दी से कमेंट करो, टाइम नहीं है। सभी पास आवाज आ रही है? जल्दी से कमेंट करो मैम। चलो नेक्स्ट नंबर की तरफ पढ़ते हैं। इवन नंबर, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन एटसेट्रा, इन सभी नंबर में आप देख रहे हैं टू जो है उसका डिवाइड जा रहा है सभी के अंदर। टू के अंदर भी टू का डिवाइड जाता है, फोर में भी टू का डिवाइड जाता है, ऐसे सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, इसके आगे जितनी भी नंबर आ रही है जो इसी सीरीज में आती है, लाइक दैट फोर्टीन सिक्सटीन एटीन। बेटा एक बार वीडियो रिट्रेस करके देखो, मतलब बैक जाकर फिर वापस आ गए। The numbers which are divisible by 2 are called even numbers. सभी नोट करो बेटा, वीडियो स्टॉप करके नोट करो सभी। अगर कोई बच्चा रह जाता है तो YouTube पे वीडियो मिल जाएगा अपने स्कूल के चैनल पे, आप वहां पे देखकर वापस लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। वॉइस नहीं आ रही, चलिए बेटा आगे चलते हैं।
आवाज नहीं है किसी को, माइक भी सही से लगा है, और देख लो आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम इंटरनेट में है। ये क्या कर रहे हो? बात कर रहे हैं। अभी तो चला कौन सुन रहे हैं? रिकॉर्डिंग पे जाएंगे बच्चों को बोलिए। रिकॉर्डिंग क्लास में मिलेंगे तो आपको, अभी इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है। 2, 3, 5, 7, 11, 14 एक्सेट्रा, ये सभी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके अंदर जो स्पेशल बात ये है, इन सभी नंबर्स के अंदर टू फैक्टर है, एक तो ये खुद और इसके अलावा वन जो है इनका फैक्टर है, तीसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। तो हम इनको डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे? द नंबर Which have only two factors, one and itself are called prime numbers. तो prime numbers के अंदर जो factor होंगे वो एक तो one होगा, उसके अलावा खुद वो नंबर होगी। फॉर एग्जाम्पल आप 3 को देखते हैं तो इसके दो फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 3, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। ऐसे आप देखिए 5 देखिए 1 × 5, ओनली टू फैक्टर्स। ये जो सभी नंबर्स हैं इनके केवल टू फैक्टर हैं, वन एंड इटसेल्फ। ऐसी नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। क्लियर बेटा? इसके बाद में आते हैं हमारी कंपोजिट नंबर्स। उसमें होंगे हमारे पास 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एटसेट्रा। ये जो नंबर्स हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, इसके आगे इसी टाइप से जो नंबर्स आएंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उन सभी को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो द नंबर विच है मोर देन टू फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल 4 = 1 × 2 × 2, यहां पर आप देख रहे हैं 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 हैं, 1 × 2 × 2 जो कि हमारे मोर देन 2 है। ऐसे ही पहले देखिए 2 1 × 2 × 2 × 3, तो हमारे पास यहां पे 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 4। यहां पे 4 फैक्टर हैं टोटल के।
इसने फैक्टोरियल करके 4 फैक्टर है 1 2 3 4 4 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है मोर देन 2 फैक्टर्स। इस टाइप से ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उन नंबर्स को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्लियर बेटा? इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो कल होगी इसी टाइम पे जो आज स्टार्ट किया है। और एक ऑडियो में जो प्रॉब्लम आ रही है ये कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आ रही है, इसको जल्दी सही कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, आज के ये काम है, मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ। यार होमवर्क बेटा, इसके बाद होमवर्क। ये कला आपको कंप्लीट करना है।